नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू एक्सपर्ट। और आज मैं आप लोगों के सामने नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक जापानीज हॉरर वेब सीरीज का रिव्यू लेके आया हूँ और उस सीरीज का नाम है जू ऑन ओरिजिन्स। ये नेटफ्लिक्स वालों ने रिलीज किया है और ये 6 एपिसोड में रिलीज किया है और हर एपिसोड 20 से 30 मिनट का है। ये 2 इवेंट्स पे आधारित हॉरर सीरीज है और ये 18 प्लस है दोस्तों। और ये स्टार्ट होती है, एक हरुका नाम की लड़की रहती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक हाउस में रहती है और उसको कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती है। तो उसके लिए वो एक पैरानॉर्मल रिसर्चर यासुओ को कांटेक्ट करती है और जब वो रिसर्चर इन दोनों से मिलते हैं तो इनसे बोलते हैं कि आपको जो एक्टिविटीज फील होती है या आपको लगता है पैरानॉर्मल, वो आप रिकॉर्ड करिए। तो ये लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और वहीं से वो जो हाउस रहता है वो ऑलरेडी हॉन्टेड रहता है, लेकिन ये लोग जब धीरे धीरे उस घर में बिताते हैं उस हाउस में और कयामत होती है उन लोगों के सामने। और ये आपको देखेंगे कि वो दोनों लोग क्या करते हैं, उन पे से क्या, उन लोगों ऊपर क्या गुजरती है और वो जो रिसर्चर से कॉन्टेक्ट करते हैं वो इन लोगों की किस तरह से मदद कर पाते हैं। ये वाकई हॉन्टेड सीरीज है और आप लोगों को अच्छी लगेगी। ये 6 एपिसोड में रिलीज किया है और काफी अच्छा डायरेक्शन किया गया है। इसके पॉजिटिव पॉइंट में ये है कि ये शुरू से लेके लास्ट तक आप लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखती है, इसका डायरेक्शन काफी अच्छा किया गया है और आपको पसंद आएगी। नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये जो है काफी इसमें काफी कैरेक्टर रोल भी आ गए हैं, तो एक बात तो लगता है कंफ्यूजन होता है, लेकिन लास्ट में सब चीज क्लियर हो जाता है दोस्तों, लेकिन आपको लगेगा थोड़ा कंफ्यूजन भरा। और ये नेटफ्लिक्स वालों ने हिंदी में रिलीज नहीं किया दोस्तों। और कंक्लूजन ये है कि आपको जिन लोगों को हॉरर वेब सीरीज या मूवीज पसंद आती है उनको काफी अच्छी लगेगी और मैं इसको आउट ऑफ 5 में 3.5 रेटिंग देना चाहता हूँ। और अगर आप लोगों को इस जू ऑन ओरिजिन्स का रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अपकमिंग अलर्ट और नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के थ्रू ही मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।